सस्रीकाल, वेलकम टू माय चैनल पोरल लाइफ विद आमना। तो जैसे कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और फेस्टिवल सीजन की एक खास बात होती है कि हम टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्वीट खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आज एक डेजर्ट बनाऊं, एक स्वीट की रेसिपी बनाऊं जो बहुत ही हेल्दी भी है और साथ साथ में फेस्टिवल सीजन होने की वजह से आप घर में आराम से इजीली बना सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाएगी। और मेरे हिसाब से ये जो रेसिपी है वो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इस रेसिपी को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि ये जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ खासकर घर में बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। डेजर्ट के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए अमूल की व्हिपिंग क्रीम। आपको कोई सी भी कंपनी की व्हिपिंग क्रीम मिल जाए वो आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों को मिठाई मेट चाहिए है, और ये डेजर्ट है तो मैं फ्रूट उसमें मिलाऊंगी, तो उसके लिए मैंने एप्पल लिया है, बनाना लिया है, उसके अलावा मैं पाइनएप्पल ले रही हूँ जो ऑलरेडी कट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे पाइनएप्पल स्लाइस लिखा है, और बच्चों को ये सब चीजें बहुत पसंद होती है इसलिए मैं इसमें चेरी भी मिलाऊंगी और टूटी फ्रूटी, और ये हमारा शुगर का पैकेट है तो जितनी हम लोग को जरूरत होगी उतनी मैं शुगर ऐड करूंगी। तो ये सब चीजें ही हम लोग को बस यूज करनी है इस डेजर्ट को बनाने के लिए, और ये डेजर्ट बहुत जल्दी और इजी से बन जाएगा। और आपको जो भी सीजनल फ्रूट हो वो यूज कर सकते हैं, उससे और ज्यादा टेस्टी फ्लेवर आएगा इस डेजर्ट का। और चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा ये वीडियो। और फ्रेंड्स ये देखिए मैंने फ्रूट कट कर लिया है, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे बनाना कट किया है, पाइनएप्पल है, ये चेरी रखा है, एप्पल है, उसके अलावा ये टूटी फ्रूटी है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी शुगर निकाल ली है इसमें मिलाने के लिए। पर हम लोग इसमें मिल्क मेड मिलाएंगे तो इसलिए ज्यादा शुगर डालने की जरूरत नहीं है, और व्हिपिंग क्रीम हमारा। तो ये जो डेजर्ट है बहुत अच्छा बनने वाला है और खासकर बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें ये देखिए ये सब चीजें टूटी फ्रूटी, चेरी, या आप और भी बहुत सारी चीजें जो बच्चों को पसंद है वो आप मिला सकते हैं। तो एक तरह से ये बच्चों का फेवरेट डेजर्ट होने वाला है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये व्हिपिंग क्रीम मैं इस बोल में खाली कर ले रही हूँ पहले पूरा। तो फ्रेंड्स ये व्हिपिंग क्रीम मैंने पूरा इसमें डाल लिया है अच्छे से, इसे हम लोग थोड़ा अच्छे से व्हिप करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा व्हिप करेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स इसे बहुत अच्छे से व्हिप करना है ताकि ये पूरा थिक हो जाए, पर हाथ से करने में इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसमें जो हमारा मिक्सर आता है, व्हिपर आता है, वो मैं यूज करूंगी, उससे वो जहर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए वो यूज करती हूँ, क्योंकि अभी देखिए ये बहुत पतला है, इसे बहुत गाढ़ा होने में बहुत टाइम लगेगा, और मैं इससे करती हूँ। तो आप लोग के पास भी अगर वो है तो आप वही यूज करिए, वो उससे जल्दी भी बन जाएगा और आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स मैंने इस व्हिपिंग क्रीम को ये व्हिपर से व्हिप करने के लिए इस बोल में निकाल लिया है ताकि मैं अच्छे से व्हिप कर सकूं, इजीली हो सके, और इसे अच्छे से 10 से 15 मिनट व्हिपर से व्हिप करना है। साथ में इसमें थोड़ा सा हम लोग मिल्क मेड भी मिला देंगे ताकि जो क्रीम है और मिल्क मेड का टेक्सचर है, जो स्वीटनेस है, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम लोग पहले इसे भी मिक्स करेंगे साथ साथ, और जैसे जैसे इसको व्हिप करते रहेंगे आप इसका गाढ़ापन और क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। अब मैं इसमें शुगर मिलाने जा रही हूँ, तो शुगर जब आप मिलाएंगे तो थोड़ी कम मिलाइए, क्योंकि ऑलरेडी मिल्क मेड मैंने मिलाया है, तो आप भी उतनी ही शुगर मिलाइए जितनी आपको जरूरत हो ज्यादा। वैसे तो स्वीट है तो डेजर्ट है तो थोड़ा मीठा होता है तो चल जाएगा, बट फिर भी ज्यादा मीठा हो जाने से कई बार खाने में मुश्किल होती है। तो चलिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेरी ये क्रीम व्हिपिंग क्रीम जो है वो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है और जितना ज़्यादा हम इसे व्हिप करेंगे ये गाढ़ी हो जाती है और इसकी थिकनेस और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो थोड़ी देर में और इसे व्हिप करूँगी और एक बात मैं ज़रूर बताऊँगी कि जब ये पूरा रेडी हो जाएगा हमारा डेजर्ट तो इसका जो फ्लेवर है जैसे फ्रूट आइसक्रीम होती है उसके जैसा ही सेम फ्लेवर आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चों को बहुत पसंद होती, तो आप लोग ज़रूर घर पर एक बार ट्राई कीजिए। मैं ये बोल में थोड़े फ्रूट्स निकाल ले रही हूँ, नीचे डाल लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग जो क्रीम है मैंने अच्छे से व्हिप की है उसे भी इसमें मिलाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना जल्दी बन गया और व्हिप करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये सब चीज़ें आप पहले थोड़ा डाल लीजिए, उसके बाद ऊपर गार्निशिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे फ्रूट्स हैं, उसके अलावा थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मैं नीचे मिला रही हूँ। कितना कलरफुल लग रहा है देखिए, व्हिप हो गई है और बहुत फ्लफी भी हो गई है। मैंने एक बॉक्स लिया था पर कितना सारा देखिए क्रीम बन गया है व्हिप होके, और क्वांटिटी और जो स्वीटनेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसको मैं इसमें फ्रूट में मिलाऊंगी, तो चलिए इसको इसमें मिक्स करते हैं हमारे फ्रूट में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए ये हमारा जो डेजर्ट है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। खाने के बाद बहुत टेस्टी होता है, देखिए कितने सारे मैंने फ्रूट मिलाए हैं। इसके अलावा आप इसमें जो भी आपको फ्रूट पसंद है या आपके बच्चों को पसंद है वो आप इसमें मिला सकते हैं। तो एक तरह से ये हेल्दी डेजर्ट है, कोई भी खाएगा तो उसके लिए हेल्दी भी है और अच्छा भी है। अब इसको ऊपर से हम लोग डेकोरेट करेंगे, तो थोड़े से बनाना मैं ऊपर से डाल रही हूँ और पाइनएप्पल भी मैंने थोड़े बचा लिए थे। मेरा जो डेजर्ट है ऑलमोस्ट तैयार हो गया, इसको थोड़ा और टेस्टी और कलरफुल बनाने के लिए मैं इसमें मिला रही हूँ टूटी फ्रूटी, जो कि सब बच्चों की बहुत फेवरेट और मेरी भी बहुत फेवरेट है। मुझे ये सब चीज़ें चेरी है, यहाँ तक कि आप ब्लूबेरी रसबेरी वो सब भी मिला के इसे और ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये है मेरी आज का डेजर्ट जो कितना जल्दी बन गया, और ये है फ्रूट आइसक्रीम जो मैंने आपको आज बना के दिखाई कितनी झटपट बन गई। सिर्फ व्हिप करने में इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं, अदरवाइज इसके किसी भी चीज़ में कोई टाइम नहीं लगता है। और आप किसी भी ओकेजन में अगर कोई सडन से आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप झटपट बना के खिला सकते हैं, बहुत टेस्टी बनने वाला ये डेजर्ट है। तो इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ, रेफ्रिजरेटर में थोड़ी देर के लिए रखती हूँ और ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी ठंडी हो तो ज़्यादा इसका मज़ा आता है। तो हम इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको फाइनल दिखाती हूँ एक बार। और और ये ठंडा हो गया, अब इसे मैं टेस्ट करूंगी, देखेंगे कैसा बना है। पर आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और चलिए इसे टेस्ट करते हैं जल्दी से। तो ये फ्रीजर में रख देने से और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, देखिए अब मैं इसे इसमें निकाल रही हूँ और इसे टेस्ट करके देखेंगे। तो ये देखिए ये हमारी है फ्रूट आइसक्रीम जो कितना जल्दी बन गई, और आप इस तरीके से किसी को भी सर्व करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और ये काफी टेस्टी भी दिख रही है देखने से। तो चलिए इसे टेस्ट करेंगे, ये इतना टेस्टी लग रहा है। अगर आपने कभी कोई फ्रूट आइसक्रीम खाई है तो सेम वैसा ही फ्लेवर इसका है, टूटी फ्रूटी और पूरे फ्रूट्स का जो फ्लेवर है क्रीम में मिक्स हो गया है, और जो मैंने मिल्क में डाला था उससे इसकी स्वीटनेस बहुत अच्छे से आई है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप कभी भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे जब भी आप ट्राई कीजिए मुझे कमेंट कीजिएगा।
डेजर्ट बना खिलाएंगे तो उनके लिए अच्छा भी है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज का रेसिपी जो मैं आपको डेजर्ट बना के दिखाया कि कितना इजी डेजर्ट बना सकते हैं आप घर पे। फेस्टिवल सीजन है तो आप मेरे इस डेजर्ट को भी एंजॉय कीजिए, फेस्टिवल्स को भी एंजॉय कीजिए। आने वाले फेस्टिवल्स को लिए मैं अभी से आपको शुभकामनाएं बोलती हूँ। पर मेरे इस वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ या नई जगह पे आपको मिलती हूँ। बाय।